गवर्नमेंट हमारे साथ क्या करेगी उसकी कोई परवाह नहीं, और ना वह जो दिल करे गवर्नमेंट करे, कोई चिंता नहीं। आंदोलन जीतना जरूरी है, होटल बंद रहे चालू रहे वो कोई मायने नहीं रखते। कणक स्टोर की हुई है इतने होर की पहला की रखते उन्हें, ये पार्टी हाल सी साडा और पूरे परिवार की सहमति से ये काम होते हैं, कोई अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। अब तो सिर्फ मन में एक इच्छा है, जब भी आंदोलन फतेह होगा उसके बाद हम ये देखेंगे भाई हमारे पास अब क्या बचा। ये जिंदगी की शुरुआत एक बार आंदोलन जितने तो बाद फिर हो दोबारा नए सिरे से फिर शुरू करोगे कि फिर बिजनेस शुरू करिए, सोचेंगे देखते हैं अब क्या होएगा। अभी तो कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है, पता नहीं आंदोलन ही 5-7 साल चल रहे अभी क्या कह सकते हैं। सत श्री अकाल जी, डेली पोस्ट पंजाबी तुसी वेख रहे हो ते मैं गगन शुक्ला दिल्ली दे विच मौजूद हाँ ते राम सिंह राणा दे गोल्डन हट च मौजूद हाँ। किसानों दे लई लगातार राम सिंह राणा आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो तुहानू एक तस्वीर विखाउंदे कि राम सिंह राणा दे लग्जरी होटल दा इस वेले दा की हाल है। किसानों दे लई लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं ते सरकार दे नाल जिहड़ा बिल्कुल आमणो सामणे ने, ते लग्जरी होटल है इह, करोड़ों रुपए की लागत दे नाल अपना कारोबार सैटअप करदा इंसान, तां तुसी देख सकते हो इस वेले होटल दा हाल की है। किसानों के लिए तत्पर ने राम सिंह राणा साढ़े नाल मौजूद ने। राणा जी, लगातार जो सरकार की गल की जाए तो तशद्दुद जारी है, कदे लाइट कट दी जाती है, कदे बैरीकेडिंग ला के होटल के अंदर आने वाले रस्ते बंद कर दिए जाते हैं, लगता नहीं कि सरकार ज़्यादा हथकंडे अपना रही है तुहानू चुकाउण दे? पहले तो सारे भाइयों को सत श्री अकाल। कोई नहीं भाई जी, सरकार तो अब जो कर रही है पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उन चीज़ों से हम हार हारने वाले मानने वाले नहीं हैं। और हम तो जब तक आंदोलन है तब तक तो जो मर्जी हालात हो गए हम पीछे नहीं हट सकते किसी भी कीमत पर। तो लड़ाई लड़नी है तो खड़ा होना ज़रूरी है, और खड़े हो गए तो पीछे हटने का कोई काम नहीं। राणा जी, हालात देखो किस तरह हो गए, थोड़ा लग्जरी होटल सीगा बिल्कुल, और मैं भी अंदर आके देखा तो देख सकते हो तुसी, अंदर मैं कहूँगा तुसी साढ़े नाल आ जाओ, कैमरा पर्सन कहूँगा अगे दिन तस्वीरें विखाने। ये असी पहला आए थे तो यह थोड़ा लग्जरी रूम सीगा, पर हुण हालात देखो किस तरह ने, क्या करें भाई जी, अब एक दोनों काम तो हो नहीं सकते। अब पता नहीं ये बना ही इसी दिन के लिए था या यही हालात होने थे, पता नहीं हमें तो। चलो तब क्या करें, 8 महीने हो गए सब कुछ बंद पड़ा है, सारे का सारा सामान खिंड मिंड अब वही है, उसमें कुछ कर नहीं सकते। जो लग्जरी रूम से उन्होंने कणक भरी पई है किसानों के लिए भाई जी, अब लगभग 200 क्विंटल आटा रोज जाता है, अब 200 क्विंटल आटा रोज जाता है तो उसके लिए कणक तो स्टॉक में चाहिए ही है, जिसमें से कुछ किसानों से आ जाती है, कुछ खरीदनी पड़ती है। तो बाकी अब वही बात है, व्यवस्था पूरी रखनी पड़ेगी, जो जिम्मेवारी ली है उसको निभाना है, तो व्यवस्था तो जरूरी है ना उसमें। राणा जी, जहन च नहीं आता कि पंगा कुछ वड्डा हो गया, कि तुसीं पंगा ना कुछ वड्डा लै लिया हो, क्योंकि तुसीं सेवा भावना नाल अगे आए सीगे, पर लगता नहीं कि सेंटर और सूबा दोनों ही राज्य सरकार ना दोनों नाल ही पंगा हो गया? कोई परवाह नहीं जी, जब हम खड़े हुए थे हमें पहले दिन ही पता था भाई सरकार के सामने आमने सामने पंगा लेने वाला काम हो जाएगा अगर किसानों के साथ खड़े हुए, लेकिन हमने अपनी किसी चीज़ की परवाह नहीं करी, ना धंधे की परवाह करी, आज धंधा ख़त्म है, ना पैसे की परवाह करी, और ना ही गवर्नमेंट हमारे साथ क्या करेगी उसकी कोई परवाह की, और ना वह जो दिल करे गवर्नमेंट करे, कोई चिंता नहीं। चुड़ूनी साहब ने कुरुक्षेत्र वाले गोल्डन हट का रास्ता खोलता सीगा, पर प्रशासन ने फेर ला था। वो तो आधे घंटे के लिए खुला था, वो उसी टाइम बंद हो गया था, पर क्या कर सकते हैं प्रशासन का, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई आंदोलन पे आ जाए या मेरी वजह से कोई मतलब पूरी बनी बनाई कहानी ख़राब हो जाए। हो सकता है हम लड़ाई के शुरुआत में ही खड़े हों, या हो सकता है हम लड़ाई जीतने के बहुत नज़दीक हो, तो उस चीज़ के बारे में भी कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। तो मैं नहीं चाहता, मेरा होटल अगर बंद होने से कोई फर्क नहीं हो, मेरे को असर होगा, आंदोलन को कोई असर नहीं हो उस चीज़ का। आंदोलन जीतना ज़रूरी है, होटल बंद रहे चालू रहे वो कोई मायने नहीं रखते, परमात्मा ने जो किस्मत में होगा वो फिर भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। राणा जी, जन समर्थन बहुत मिलया है पूरे किसानों का, तुहानू जिहड़ा समर्थन मिलया जदों सरकार ने इस तरह दीयां कोझियां चालां चलियां? सर जी, ये प्यार ही कमाया है हमने पिछले 8 महीने में, ये प्यार ही कमाया है, और इस चीज़ को बारे में हम कुछ भी मतलब
किसी भी तरीके से आप समझ लो उस बात को। तो सभी भाइयों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मतलब मेरे दर्द को अपना दर्द समझा। पूरे किसान देश के दे किसानों का समर्थन तुहाडे नाल ने, पर जे खास करके दो शब्द पंजाबियों लई कहने होण तां की आउंदा दिल च? ऐसा जी, पूरे देश का किसान एक तरफ है, अकेली पंजाबी कौम एक तरफ है। ये कदों महसूस हुआ, किवें लग्या कि पंजाबी होरां तो वख किवें ने? ये हम देख रहे हैं पिछले 8 महीने से, कोई आज नई बात नहीं है। आंदोलन में भी देख रहे हैं हम कौन सी कौम किस रूप से सबसे आगे है। एक जाट कौम है, एक किसान कौम, मतलब पूरी है तो पूरी किसान कौम, लेकिन जो सबसे ज़्यादा है वो अपने सिख भाई, पंजाबी भाई, जाट भाई। जिथे हूँ कणक स्टोर की हुई है, इतने होर की पहला की रख दें? ये पार्टी हाल से साडा जो आंदोलन नहीं पार्टी हॉल सी। जी 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 जी, तो हम तस्वीर देख सकते हो तुसी कि किस तरह राणा जी इतने पूरा ये कणक ना भरया हों? जी जी जी, ये 10 दिन का ही स्टॉक होता है, ज़्यादा नहीं है, मतलब अपना वही है, रखना पड़ता है इतना स्टॉक। मौसम भी ख़राब है, बारिश भी कभी कभी है, तो बाहर तो डाल नहीं सकते कणक को। जब होटल ही बंद है तो पार्टी कहाँ से होनी है? जब होटल चालू होएगा तो पार्टी तब होएगी, तो उस टाइम फिर इसमें अपना यूज हो जाएगा सारे का सारा, कोई दिक्कत नहीं। जी, कदें घर तो नहीं गल होंगी कि बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि फैमिली है रिश्तेदार, क्योंकि सरकार पंगा करना रहना जी छोटी गल नहीं होंगी। कदे कई बार रिश्तेदार गल करते हैं, फैमिली गल करती है, क्योंकि माइंड तो डिस्टर्ब होता ही है ना। अभी टाइम नहीं है उस चीज़ का हिसाब जोड़ने का। घर वालों की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है, वो हर तरीके से हमारे साथ हैं, हमारा मतलब पूरा समर्थन करते हैं और हमारी हर बात को कहते हैं भाई आप जो कर रहे हो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता, और पूरे परिवार की सहमति से ये काम होते हैं, कोई अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। अब तो सिर्फ मन में एक इच्छा है, जब भी आंदोलन फतेह होएगा उसके बाद हम ये देखेंगे भाई हमारे पास अब क्या बचा, और ज़िंदगी एक रीस्टार्ट मिलेगा दोबारा, जैसे एक फ़ोन को रीस्टार्ट करते हैं भाई, सब कुछ पिछला डिलीट होके जो भी है फिर उसके बाद देखेंगे भाई हाँ परमात्मा ने चलो ये ज़िंदगी की शुरुआत एक बार आंदोलन जितन तो बाद फिर हो दोबारा नए सिरे से फिर शुरू करोगे कि फिर बिजनेस शुरू करिए? सोचेंगे, देखते हैं अब क्या होएगा, अभी तो कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है, पता नहीं आंदोलन ही 5-7 साल चल रहे अभी क्या कह सकते हैं इस बारे में। तो जब हम खड़े हैं और एक कमिटमेंट हुई है कि भाई आंदोलन के हफ्ते बाद तक भी खड़े रहेंगे तो हम खड़े रहेंगे, उस चीज़ से हम पीछे नहीं हटेंगे। राणा जी, लगता नहीं कि इतिहास दे विच जे देखा जाए तो ये नाम दर्ज होया जाऊगा कि क्योंकि देश का अन्न जिहड़ा किसान है वह देश का अन्नदाता है? भाई जी देखो, नाम तो हमें खैर नाम की तो कोई इतनी वो नहीं है, ना नाम की हमें जरूरत है, बाकी उस परमात्मा उस वाहिगुरु से एक ही अरदास है कि गवर्नमेंट को सतबुद्धि दे और वो जितना जल्दी हो सके हमारे किसान भाइयों को मतलब फ्री करें, तीनों काले कानून वापसी लें, MSP पे गारंटी कानून बनाए, ताकि हमारे सभी भाई आराम से अपने घर जाके आराम से सो सके। अब कई दिनों से बरसातें चल रही हैं और मैं काफ़ी भाई हमारे पास रहते हैं, लेकिन मैं उन भाइयों से अपील करूँगा अगर वो देख रहे हों, जिस भाई को किसी भी चीज़ की दिक्कत हो, पानी की, बरसात से या उससे, या बहुत से टेंट तंबू उखड़ जाते हैं, तो आपका भाई यहाँ ही है 24 घंटे आपकी सेवा में, आपको कुछ भी लेके आने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ आपको खाना पीना रहना सब कुछ यहाँ, कपड़ा लत्ता सब कुछ आपको यहीं मिलेगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आंदोलन को ढिलना नहीं पड़ने देना, बस उसके लिए जो मर्जी मतलब हमें प्रयत्न करना पड़े, जो मर्जी हमें इंतजाम करने पड़े, मैं 24 घंटे तैयार। हरियाणा सरकार लगातार दिक्कतें क्रिएट कर रही है, लगता नहीं कि हुण खट्टर साहब नूं भी थोड़ा सहज हो जाना चाहिए? ऐसे भाई जी, सरकारों की नीतियां ख़राब हैं तभी तो आज सड़क पे पड़े हैं। 8 महीने हो गए भाई जी, 8 घंटे काटने मुश्किल हो जाते हैं, दिन तो छोड़ो और यहाँ तो महीनों में बात चली गई है। तो इस चीज़ के बारे में सरकार को जितना जल्दी हो सके सोचना चाहिए, आखिर उनके सरकार एक राजा होता है और जनता उसकी प्रजा होती है, बच्चे होते हैं जनता उसकी, तो इतना कठोर नहीं होना चाहिए। हम तो यही कहेंगे सरकार से कि जितना जल्दी हो सके, हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि उतना जल्दी से जल्दी इस आंदोलन को खत्म किया जाए।
बहुत मेहरबानी। सो राम सिंह राणा इस वेले साडे नाल डेली पोस्ट दे नाल खास गलबात की है। तो सब तो वड्डी गल लग्जरी होटल करोड़ों रुपए की लागत नाल बनाया होटल इस वेले पूर्ण तौर पर किसानी ते किसानां नूं समर्पित है। पार्टी हॉल दे विच कणक भरी हुई है, लगभग 200 क्विंटल कणक रोज़ लगती है। तो राम सिंह राणा का एक ही पुराना है कि अंदोलन खत्म होने तो एक हफ्ता बाद तक खड़े हैं। तो कैमरा परसन ने तुहानूं दिखाया ये लग्जरी हॉल ने कि जिथे हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती सी वो पार्टी हॉल है जिथे कि कणक भरी हुई है। इस तरह की जिहड़ी कमिटमेंट है वो किसानों के नाल है कि जब तक अंदोलन जितया नहीं जाता तद तक लड़ाई जारी रहेगी। कैमरामैन विक्की मेरे सहयोगी परमिंदर के नाल गगन शुक्ला डेली पोस्ट पंजाबी सिंगू।